एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं अहम खबर। मुसलमान के खिलाफ में बिल्कुल नहीं है, ये सारा भारत पूरा आम जनता के खिलाफ में है। इसमें ज्यादा इम्पैक्ट इसमें रहता दलित लोगों के ऊपर रहता, आदिवासी के ऊपर रहता, जो लोग झोपड़िया में रहते, कागज कुछ समझ नहीं सकते वो लोगों के ऊपर रहता, पूर्व पीढ़ी के ऊपर रहता। अभी हम असम के एक्सपीरियंस लिए तो 19 लाख डिटेंशन सेंटर्स में है, तो उसमें 14 लाख हिंदू लोग हैं। 14 लाख हिंदू लोगों के खिलाफ में भाजपा अभी एनआरसी लाया। अभी सीएए बोले तो सीएए भी बोले दो, एनआरसी बोले दो, एनपीआर भी बोले दो, ये भारत देश में किसी के ऊपर फायदा नहीं है। हमको पूरा करना जरूरत क्या है, हम इंडियन सिटीजन हाई बोल के पूरा करने का जरूरत क्या है, और सोच लेना हम पूरा साबित करना, डाउन सिटीजन बोल के लगभग 80 करोड़ लोगों को क्या करने वाला है, मोडिशा हम लोग क्वेश्चन करना। यूनानी बोले तो ये उसे मांगा, ये कौन करता बोल के निकाले तो अपनी कुछ उसमें भी there is no matter in that। ठीक है, फिर काम बेवकूफ के फर्क आए, बेवकूफ से काम उठा तब कभी भी दम नहीं रहता, कोई भी हो बीजेपी को। सेक्रेटरी डॉक्टर एसोसिएशन फॉर एलिफेंट एजुकेशन, इस वक्त NPR, NRC और CAA को लेकर पूरे मुल्क में जो एहतजाज चल रहा है वो एहतजाज अब वह तालीमी इदारों का रुख कर गया है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसी की एक कड़ी यहाँ गवर्नमेंट निज़ामिया तबिया कॉलेज में यहाँ के जो मेडिकोस गुज़त 15-20 दिन से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, वजह यह कि ये डॉक्टर्स भी अब इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन गए हैं। डॉक्टर्स जो सोसाइटी का क्रीम होते हैं और जिनकी बात को बहुत ज़्यादा वजन हैसियत माशरे में रखी जाती है, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। अब ये देखिए कि एक लो लेवल का ऑफिसर, एक सुपर स्पेशलाइज सर्जन या सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर से आकर वो उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा, उनके पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ प्लेस के बारे में पूछेगा, और उनकी सिटीजनशिप को डाउटफुल बनाकर चला जाएगा। जबकि ये वो तबका है जो उन्हीं लोगों की जानों को बचाता है। हो सकता है कि वो ऑफिसर जिसकी जान को बचाया वो, और उस डॉक्टर को जो है वो क्वेश्चन मार्क और डाउट बनाकर चला जाएगा। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, और स्टूडेंट्स का जो पावर है वो नेशन का पावर है।
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سارے تعلیمی اداروں کے اندر جو بڑے بڑے یونیورسٹیز میں جو اس وقت اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کریں یقیناً انشاءاللہ یہ بات رنگ لائے گی اور ہم حکومت سے مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً اس سیاہ قانون کو واپس لے لیں۔